हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है SV क्लास। और इस क्लास में हम आपको शेडिंग यानी कैसे हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर से कलर दें वो हम आपको सिखाएंगे। जैसे ये ऑडियंस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको कलर देना है, तो उसके लिए आपको शेडिंग ऑप्शन पे जाना होगा। तो आइए हम शेडिंग ऑप्शन पे जाते हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ से ये वाला कलर देना है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये कलर दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो यही है आपका शेडिंग ऑप्शन। और शेडिंग ऑप्शन अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ पर नो कलर पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, आपको कई बार क्या होता है कि कलर नहीं मिल रहे मान लीजिए, तो आपको मोर कलर पे जाना है और यहाँ पर सभी प्रकार के लगभग कलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको नीला कलर मिला, आप चाहते हैं कि नहीं, आपको मान लीजिए यहाँ पर नीला कलर मिला, ये स्टैंडर्ड व्यू है या इसका कस्टम व्यू है। तो मेरे को तो कस्टम व्यू ही अच्छा लगता है, आपको जो व्यू अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने नीला कलर लिया। आप नीले कलर को कैसा लेना चाहते हैं, डार्क में लेना चाहते हैं, बिल्कुल डार्क करना चाहते हैं, कम डार्क करना चाहते हैं, या इसके अंदर रेड ग्रीन या ब्लू कितना मिक्स करना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इस हिसाब से इसे कन्वर्ट करके और ओके का बटन दबा सकते हैं। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो आपको मैंने शेडिंग ऑप्शन बता दिया है। अब इसके बाद हमको जाना है इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज, इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट होता क्या है जनरली, जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो आप लिखते हैं डियर डियर सर, और उसके बाद लिखते हैं आई बैग बैग टू से दैट से दैट। तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है, जो आई बैग टू से दैट आपको यहां से लिखना होता है, इस वाले एरिया से। तो इसको हमें थोड़ा सा आगे करना होगा। तो आगे कैसे करेंगे, इस बटन पर यहां से हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहां पर आ गया आई बैग टू से दैट। और जैसे हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो इंडेंट को हम इधर कर लेते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं ना टू द द सॉरी, यहां से लिखना चालू करते हैं दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए यहां से लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल डैश स्कूल पब्लिक डैश पब्लिक स्कूल गुड़गांव हरियाणा। उसके बाद हम लिखते हैं डियर सर आई बैक टू से दैट। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा आपको इंडेंट यूज करने को मिलेगा। जैसे हमने टू लिखा, टू के बाद कोमा लगता है। अब ये टू द प्रिंसिपल और गुड़गांव हरियाणा, ये जो आपको लिखना है ये थोड़ा आगे की साइड लिखना है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इंडेंट पर क्लिक करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप जहां रखना चाहें इसको रख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं डियर सर और आई बैक टू से दैट जो है वो आपको थोड़ा सा आगे की साइड लिखना होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और इंडेंट को इंक्रीज कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप जैसा चाहते थे आपको ये वैसा मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी मैं बताता हूँ आप सब समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो फॉर थैंक यू वेरी मच।